हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेल्फ हेल्प आत्मनिर्भर। मैं हूँ गुंजन और आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत वाली खीर और व्रत वाला कस्टर्ड। फ्रेंड्स, पूरी रेसिपी को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। समा और साबुदाने की खीर या कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश मिल्क, समा के चावल, साबुदाना, सैफ्रॉन, ग्रीन कार्डमम पाउडर, स्वीट कंडेंस मिल्क, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स। व्रत वाली खीर बनाने के लिए हम सबसे पहले समा के चावल और साबुदाना को पानी में भिगोने के लिए करीब 2 घंटे के लिए रख देंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर अबाउट 100 ग्राम समा के चावल और 1 टेबलस्पून साबुदाना। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अबाउट 1.5 कप वाटर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और करीब 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे जिससे कि साबुदाना थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसको एक जार में डालकर पीस लेंगे। खीर बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एक पॉट जिसमें मैं डालूंगी अबाउट 600 ml मिल्क। मिल्क को हमें एक बार बॉईल कर लेना है। मिल्क अच्छे से बॉईल होने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें डालेंगे करीब 8 से 10 सैफ्रॉन स्ट्रैंड। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और हमने जो साबुदाना और सैमोराइस का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। साबुदाना और सैमोराइस का पेस्ट डालते ही बहुत जल्दी थिक होगा, इसके लिए हमें कंटिन्यू चलाना है करीब 5 से 7 मिनट के लिए। इसको लगातार चलाते ही रहना है। अब इसको बनाने के लिए जो भी पॉट लें उसका जो बेस है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। इसको हमें करीब 7 से 8 मिनट तक पकाना है। देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं लगातार चलाते हुए और ये खीर अच्छी थिक हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन कार्डमम पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ स्वीट कंडेंस मिल्क। स्वीट कंडेंस मिल्क आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे बोल में ट्रांसफर करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे करीब 2 से 2.5 घंटे तक। खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी चॉइस के सारे फ्रूट्स और रोस्टेड काजू। देखिए फ्रेंड्स, हमारी व्रत वाली खीर कम कस्टर्ड रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे।